हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी काफी वीक लग रहा है और निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, ये मैंने आपको बताया था। पर आज अगर आप देखो तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है और आप देख सकते हो निफ्टी ने ट्रेंड लाइन भी तोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ से कोई बड़ा फॉल एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि इमीडिएटली दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स है। 10,500 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और 10,300 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटते तब तक आप बड़ा फॉल एक्सपेक्ट मत करना कि 7,000 आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। अभी फिलहाल इमीडिएट टारगेट्स होंगे 10,500 तक के, और अगर वो भी टूटता है तो 10,300 तक के टारगेट्स भी पॉसिबल है। तो अभी व्यू थोड़ा बेरिश है। अगर कोई भी इंट्राडे बाउंस मिलता है या गैप अप ओपन होता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। गैप अप ओपन होता है तो भी शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, और अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो भी आपको शॉर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 22,000 अगर टूटता है तो 21,750 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 200-300 पॉइंट का फॉल मैंने आपको क्लियरली बताया था, आप लास्ट वीडियो मेरा जाके देख सकते हो। और मैंने आपको ये भी बोला था कि 21,750 अगर टूट जाता है तो 21,000 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 21,750 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, 500-600 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये मैंने क्लियरली बताया था, आप देख सकते हो मेरा वीडियो। इसमें आज हम लोगों ने काफी अच्छा शॉर्ट में पैसा बनाया बैंक निफ्टी में, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने भी पैसा बनाया और मैंने भी काफी अच्छा पैसा बनाया, और मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाला है, आप देख सकते हो टेलीग्राम चैनल में। बैंक निफ्टी भी अभी थोड़ा वीक लग रहा, 21,000 तक के टारगेट यहां से पॉसिबल लग रहा है। 21,000-20,900 अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर एक बड़ा फॉल हमें और देखने को मिल सकता है 20,200-20,300 तक के लिए। सो 600-700 पॉइंट का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है अगर 20,900 का लेवल 21,000 का लेवल टूटता है तो। सो 20,900 एंड 21,000 ये 100 पॉइंट का रेंज का एक सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो 20,200 भी पॉसिबल है। इसमें भी अगर कोई भी इंट्राडे में बाउंस आता है, कोई गैप अप ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको शॉर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कैनरा बैंक शॉर्ट दिया था 102 के नीचे, इसमें आपने आई होप काफी अच्छा पैसा बनाया होगा, इसमें इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा मिला है। और नेक्स्ट स्टॉक मैंने दिया था आपको आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट, आईसीआईसीआई बैंक मैंने 353 के नीचे शॉर्ट दिया था और ये 342 तक आया, इसमें करीबन 10-12 रुपए का फॉल हमें देखने को मिला है। आई एम श्योर आप लोगों ने इसमें भी काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस था, मैंने भी इसमें ट्रेड लिया था 590 में और इसको मैंने एग्जिट किया 585 के आसपास। तो भारतीय एयरटेल में मैंने थोड़ा सा लॉस किया 5 रुपए का, बाकी मैंने कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक निफ्टी ये तीनों में काफी अच्छा पैसा बनाया है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन में कौन से स्टॉक पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील अगर आप देखें तो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है नैरो रेंज में, और आज अगर आप पैटर्न देखो इसमें तो आज इसने इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन किया है। ये इवनिंग स्टार सेटअप है जो कि एक्सट्रीमली नेगेटिव सेटअप होता है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 10-15 रुपए का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, 150 तक के पोजिशनल टारगेट्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो इंट्राडे के लिए भी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा और पोजिशनली भी ये काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा। सेकेंड स्टॉक होगा टाटा मोटर। टाटा मोटर का स्ट्रक्चर मुझे काफी खराब लग रहा है, इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये स्ट्रांगली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे बार बार, आप देख सकते हो। और अगर ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो एक ट्रायंगल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। इसमें भी मुझे लगता है यहाँ से 7-8 रुपए का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर भी काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा, पोजिशनली भी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा और इंट्राडे के लिए भी 92 के टारगेट्स के लिए हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक होगा बायोकॉन। बायोकॉन मुझे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ये पूरा सेलर्स का कैंडल था, करेक्ट। और अगर आपको याद है ये मारू बोजू कैंडल है, बड़ा कैंडल विथ वॉल्यूम, आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आज का जो कैंडल है उसमें भी ये कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है, करेक्ट। और बायर्स ने क्या किया है, बायर्स ने सेलर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसका हाई लो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहां पर एक लर्निंग पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, इसका हाई और इसका लो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी तरफ अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है आज का कैंडल काफी बड़ा ग्रीन है और अच्छे वॉल्यूम के साथ है, तो बायर्स अभी भी कंट्रोल कर पा रहे हैं स्टॉक को, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अपसाइड ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर 450 क्रॉस कर लेता है तो 470-480 ये पोजिशनल टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
सो बायोकॉन भी काफी अच्छा ट्रेड रहेगा 480 के टारगेट के लिए। इंट्राडे में भी काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना है आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना है, अभी जुलाई महीना चालू है, दिसंबर तक मैं ये चैनल पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 लाख तक सब्सक्राइबर हो जाए, ये मेरा टारगेट है। और डेली बेसिस पे आप देख सकते हो मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ और आपको प्रॉफिट भी आ रहा है। लोग तो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं चैनल के स्टार्टिंग से, उनको काफी अच्छा पता होगा कि मेरे ट्रेड कैसे चलते हैं। और मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं कि मैं ट्रेडर हूँ, आपको मेरे ट्रेड से ही पता चल रहा होगा कि मैं किस लेवल का ट्रेडर हूँ और आपको जनरली प्रॉफिट आ रहा है। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो, क्योंकि मेरा टारगेट है दिसंबर तक 1 लाख सब्सक्राइबर करने का, और ये टारगेट में मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताना कि कितने लोग मुझे सपोर्ट करेंगे 1 लाख सब्सक्राइबर करने में टिल दिसंबर तक। ये दिसंबर तक मेरा टारगेट है। 1 लाख सब्सक्राइबर करने के लिए आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आपको सपोर्ट करूंगा डेली ट्रेड्स में एंड एवरी वीक लर्निंग वीडियोज में। सो ये आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट था। आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।